भराई, जिसे हम अंग्रेजी में बेबी शावर के नाम से जानते हैं। यह एक पारंपरिक रस्म है जिसमें आने वाले बच्चे और गर्भवती को ढेरों आशीर्वाद दिए जाते हैं और दोनों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। भारत के हर क्षेत्र में इस रस्म को अलग अलग नाम दिए गए हैं। केरल में सिमंथम, बंगाल में शाद, तो तमिलनाडु में इसे वलकप्पू कहा जाता है। गुजरात में ये रस्म गर्भावस्था के सातवें या आठवें महीने में की जाती है। माना जाता है कि इस माह में माँ और गर्भ में पल रहा शिशु पूरी तरह से सुरक्षित होता है। इस अवसर पर घर की बड़ी महिलाएं गर्भवती का अभिषेक करती है। इसके बाद गर्भवती महिला को साड़ी पहनाकर फूलों से सजाया जाता है। परंपरागत रूप से होने वाली माँ को आभूषणों से सजाया जाता है, चूड़ियाँ पहनाई जाती है। गुजराती ट्रेडिशन में बुरी नज़र से बचने और मां को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए रक्षा यानी कि राखी भी बांधी जाती है। यह रक्षा बच्चे की बुआ द्वारा बांधी जाती है।
गुजराती रस्मों रिवाजों के अनुसार होने वाली माँ घर की बड़ी बहू या पति के परिवार की अन्य महिला के साथ श्रीफल, चावल और मूंग और तिल जैसे अन्य अनाज का आदान प्रदान करती है और इस प्रक्रिया को 7 बार दोहराती है। गुजराती परंपराओं के अनुसार देवर कुमकुम में डूबी हुई उंगलियां भावी माँ के गालों पर लगाता है और उसे याद दिलाता है कि अब जब तुम्हें बच्चा होने वाला है तो मेरे बारे में मत भूलना। गर्भवती महिला भी अपने देवर के साथ यही दोहराती है और उसे याद दिलाती है कि अब तुम चाचा बनोगे और तुम्हें बच्चे की देखभाल में मदद करनी होगी। यह परंपरा इसीलिए पड़ी क्योंकि पुराने जमाने में हर कोई एक विस्तृत परिवार में रहता था जहां छोटे देवर को अपनी भाभी से माँ जैसा प्यार मिलता था। दोस्तों, आजकल ज्यादातर लोगों को इस रीति रिवाजों के बारे में जानकारी नहीं होती, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और हाँ, आप कभी गए हैं ऐसे गुजराती बेबी शावर में? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइए।
Thank you.
Thank you.